हेलो दोस्तों, तो शिकागो में आपका स्वागत है। और आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। सैटरडे के दिन पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन आज एकदम मस्त धूप निकली हुई है। और अभी मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया की तरफ। तो लिटिल इंडिया बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रीट है, डेवॉन स्ट्रीट, जहाँ पे लाइन से सारे इंडियन स्टोर्स हैं। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा पटेल स्टोर्स, जो कि US का सबसे बड़ा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चेन है। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि किस क्या क्या वहाँ पे मिलता है और किस तरीके से लोग यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं। और फिर उसके बाद मैं कुछ दोस्तों से मिलूँगा और वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो चलते हैं अपने सफ़र पे। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कम लोग हैं। और अभी मैं जाने के लिए यहाँ पे ट्रेन लेने वाला हूँ। यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है, तो जिस तरीके से न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क सबवे है, यहाँ पे एल ट्रेन करके लोकल ट्रेन चलती है। और उसमें भी आई थिंक आप एप्पल पे से पे कर सकते हैं। तो अभी मैं उसी से जाऊंगा। This is Ogden Skokie. Your attention, please. Please follow public health. ओके भाई, तो हम पहुंच चुके हैं पटेल ब्रदर्स स्टोर और यहाँ पे ऑलरेडी मसालों की खुशबू आना शुरू हो गई है। हर तरह की सब्जी आपको दिख जाएगी। और लौकी और कद्दू, भिंडी पे, नारियल भी अवेलेबल है किसी के सर पे तोड़ने के लिए अगर आपको नारियल की आवश्यकता है। मतलब की जगह दिखी है भाई, मैसूर पाक, काजू कतली, मोतीचूर के लड्डू, क्या बात है, केसर पेड़ा। ओ भाई जलेबी, एक तो भाई पेड़ा ले लेते हैं, एक मोतीचूर के लड्डू, और एक उठा लेते हैं हम जलेबी के पैकेट। ये तो भाई इसके ऊपर तो जिंदगियां कटती हैं हम लोगों की। तो मैगी के पैकेट ले लिए। अब आगे आए भी यहाँ पर है रेड लेबल, ताजमहल, लिप्टन, बाघ बकरी। मैं तो चाय पीता नहीं, लेकिन चाय का लगभग हर इंडियन ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कॉफ़ी भी मैं पीता नहीं ज़्यादा। पापड़ का पैकेट। ओ भाई ये तो कितने सालों से नहीं खाया। हर तरह का सेब का प्रकार यहाँ पे है। हल्दीराम का कश्मीरी मिक्सचर ये लेते हैं भाई, इसमें तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हर तरह के मसाले
अवेलेबल। हर तरह के मसाले, घी, हर तरह की दालें यहाँ पे, उड़द, मूंग, चना, मसूर, जो भी दालें चाहिए, टूथपेस्ट के ब्रांड्स यहाँ पे सारे, इंडियन साबुन और शैम्पू, काफ़ी सारे फ्रोज़न रेडी टू ईट पैकेट्स, सांभर, पाव भाजी, मलबार, परोठा और काफ़ी कुछ। फ्रोज़न रोटी का पैकेट भी लिया है और आज तक मैंने कभी फ्रोज़न रोटी ट्राई करी नहीं, तो ये पहली बार है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इतनी हेल्दी लगती नहीं है फ्रोज़न रोटी, तो आज पैकेट लेके देखा है, ट्राई करके देखता हूँ कैसी है, और अच्छी लगी तो फिर और ले लूँगा यहाँ पे आके। ओके, तो शॉपिंग हो चुकी है और बैग पूरी तरीके से भर चुका है खाकरा, मिठाई और मैगी के पैकेट से, और महीने भर की शॉपिंग आज हो गई है। सो हेलो, आई एम हियर विथ पृथ्वी एंड हर हस्बैंड वरुण, एंड आई एंड पृथ्वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन द सेम डिज़ाइन स्टूडियो, एंड इट्स बीन ग्रेट कैचिंग अप विद देम। वी आर हैविंग सम नाइस आइसक्रीम्स and it's just a really nice afternoon. Prithvi, what is it that you like about living in Chicago? I think the Indian food that I've had here is much better than the Indian food I've had in other places. Other than that, you know, I'm looking forward to the winter because I really like snow, so I think I'll enjoy it. And I can see Kunal being like looking really doubtful about that, but I think I like it. Cool. Varun, you want to add anything? What do you like about being in Chicago? I mean, it's a nice city in general compared to all the other metro cities, you know, in US. It's one of the beautiful downtowns, beautiful place to live in, nice people. So it's a really very good life experience. So nice city, nice people and great Indian food. So definitely come here. तो अभी मैं जाता हूँ घर और आपसे मिलता हूँ मैं अगली बार नए ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं जल्द ही। मिलते हैं अगली बार।